व्हाट इज प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हुआ, हमारा अर्थ किस तरीके का है, ये एक ग्लोब मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया ना तो ये स्फीयर आप बना सकते हो ना इसको लिप्स बना सकते हो, लेकिन एक ग्लोब की तरह मान लीजिए। अब असली में तो अर्थ इस तरीके का है, लेकिन हर जगह तो इस ग्लोब को आप नहीं दिखा सकते। हाँ भाई 3D सॉफ्टवेयर है तो दिखा सकते हैं, या हाथ में ग्लोब रख के चलेंगे तो दिखा सकते हैं, हमेशा तो नहीं दिखा सकते। हमको इसको मैप के फॉर्म में लाना है या फिर इसको प्लेन पेपर के फॉर्म में लाना है या 2D में लाना है बेसिकली। तो 3D को 2D में कन्वर्ट करने का जो तरीका है या जो 2D में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होते हैं इसमें, उसे हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, क्योंकि यहां से ये प्रोजेक्ट हुए 3D से 2D में हम लाए। तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक 2-डायमेंशनल सर्फेस है, यानी कि आपके पास एक्स और वाई इस तरीके से दो ही एक्सेस होंगी, और क्योंकि ये GCS सिस्टम में आपका 3D सिस्टम होता है, इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंगल दो लेते हैं, प्रोजेक्शन सिस्टम भी लेते हैं। यहां प्रोजेक्टेड सिस्टम में आपकी लेंथ एकदम कांस्टेंट होगी, एंगल भी कांस्टेंट होंगे और एरिया भी कांस्टेंट होगा, एरिया दो डायमेंशन में बराबर होगा। लेकिन प्रोजेक्शन, हर एक प्रोजेक्शन सिस्टम कुछ ना कुछ खराब करता है, एरिया लेंथ डायरेक्शन तो उसमें भी डिपेंड करता है। प्रोजेक्शन PCS हमेशा किसी न किसी GCS में होगा, यानी जो 2D बनेगा वो किसी न किसी 3D से बनकर आएगा। तो 3D या तो स्फीयर हो सकता है या स्फेरॉइड हो सकता है, स्फेरॉइड मतलब थोड़ा सा इलिप्स की तरह होगा। तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने ये अर्थ लिया, मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपने अर्थ लिया और यहां पर मान लीजिए एक आपने इसको एक सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर में डाला, और उसके बाद क्या किया, यहां पर एक लाइट रख दी, बीच में बिल्कुल लाइट रख दी, और उसके बाद ये जितनी भी आपकी यहां पर हमारी इमेजिनरी लाइनें हैं उनको इस पे, इस सिलेंडर पे प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, और जो सारे पॉइंट आ गए फिर इसको हमने यहां से काट के या यहां से काट के ओपन कर दिया इस सिलेंडर को। तो ये सिलेंडर जब ओपन हुआ, सिलेंडर को आप काट के ओपन करेंगे तो वो आपको एक ऐसा सरफेस दिखाएगा। तो यहां से 3D से हमने इन सारे पॉइंट को इस 2D पे प्रोजेक्ट किया और यहां दिखाया। तो मैंने जैसे बताया, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई ना कोई चीजें आपकी सारे सारा जो आइडिया है वो है क्या चीज आपको सिक्योर करनी है, जैसे एरिया है, शेप है, ये आपका डायरेक्शन है। हर एक प्रोजेक्शन सिस्टम सब चीजें नहीं बचा सकता, कुछ ना कुछ बचाएगा, कुछ ना कुछ खराब कर देगा। तो प्रोजेक्शन टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्शन टाइप्स GIS में, तो मेन इसमें आते हैं कोनिक, सिलेंड्रिकल एंड प्लानर। बेसिकली हो क्या रहा है कि अर्थ को हम एक स्फेरॉइड मान रहे हैं या स्फीयर मान रहे हैं, उसके बीच में एक हम मान रहे हैं एक लाइट है, इमेजिनरी लाइट है, और उसके ऊपर जब हम एक सरफेस जैसे सिलेंडर हो गया उसको रखते हैं और यहां से लाइट जब इसको जला देते हैं तो जितने पॉइंट इस अर्थ पे हैं वो इस सिलेंडर पे प्रोजेक्ट किए जाते हैं और फिर सिलेंडर को खोल दिया जाता है। तो यही जो पॉइंट है वो यहां पर होगा, यही जो पॉइंट है वो यहां होगा, लेकिन किस साइड, किस जगह होगा, कहां होगा, ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप कौन सा सरफेस ले रहे हैं। जैसे अगर आप सिलेंडर ले रहे, अब आप बोलेंगे अगर ये है तो इतने सारे क्यों है, सिलेंड्रिकल कोनिकल प्लानर क्यों है। सिलेंडर में ये होता है कि ये जो एरिया है, ये वाला यहां से यहां तक एरिया, ये तो बड़ा बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सिलेंडर से चिपका रहेगा, और जब खोलेंगे तो ये एरिया अच्छे से प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसका क्या, इसका क्या, उसके लिए फिर आया कोनिकल कि भाई हमें ये भी एरिया तो कवर करना है, तो उसके लिए कोनिकल आया कि भाई चलिए कोनिकल शेप रख दीजिए, और ये कोनिकल जो है एक किसी न किसी एक लैटिट्यूड पे, पैरेलल पे ये चिपकता है, मतलब उस पे जाके सेट हो जाएगा, तो ये इस एरिया को अच्छे से कवर कर लेगा। फिर कईयों ने कहा कि मुझे तो यार ये टॉप भी तो चाहिए, टॉप तो कहीं किसी में भी कवर नहीं हो रहा, यहां भी टॉप छूट जा रहा है, मतलब पोल्स। तो आया फिर प्लानर, ऑर्थोग्राफिक। तो प्लानर क्या करता है, वो एक पोल का या किसी भी जगह पे आप लगाएंगे वहां कवर कर सकता है। प्रोजेक्शन का सिस्टम का यही तरीका है कि भाई लाइट जलाने, सोचिए इमेजिन करिए एक लाइट जली है और जब लाइट जलेगी तो ये पॉइंट इस लाइट के साथ यहां पर कैसे, किस जगह पे आएगा इसको खोलने पर, वो प्रोजेक्शन सिस्टम है। ध्यान रहे कि जो प्रोजेक्शन सिस्टम है ये कोई सिस्टम जो है जिस कॉन्फॉर्मल होता है, जो आपके शेप को बिल्कुल इंटैक्ट रखेगा, कई ऐसे हैं जो डिस्टेंस को इंटैक्ट रखता है, यहां से वहां का डिस्टेंस जो होगा उसको इंटैक्ट रखेगा, कई होगा जो आपके एरियाज, मतलब जो यहां एरिया होगा वही आपके यहां पर एरिया होगा। डिस्टेंस का मतलब है कि यहां जो डिस्टेंस होगा वही आपका यहां डिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंसी का एरिया का मतलब है। तो क्योंकि हमको कोई ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है PCS, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमको कन्फॉर्मल भी हो, इक्विडिस्टेंट भी हो, इक्विवेलेंट भी हो, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं, तो हमको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने पड़ते हैं। UTM और जो गूगल यूज करता है उसके हम कहते हैं वेब मार्केटर वाला प्रोजेक्शन है, WMP प्रोजेक्शन है। तो UTM तो है सबसे ज्यादा यूज होता है खासतौर पर मैपिंग वगैरह, कार्टोग्राफी में, लेकिन जैसे आप गूगल मैप्स या मार्बल या फिर किसी बिंग पे जाते हैं तो आपका ये इन्होंने अलग से बनाया हुआ है, वो है आपका वेब मार्केटर प्रोजेक्शंस।